जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती। मैं शंकर चक्रवर्ती। अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। पौष मास शुरू हो गया है। जगन्नाथ मंदिर में पहली भोग की भी शुरुआत हो चुकी है। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे भोग डाले थे पहली भोग के ऊपर, और ये बताया भी था कि पहली भोग का मतलब क्या होता है, ये मंदिर में क्यों लगता है। पहली भोग को पौष मास में लगता है क्योंकि माँ लक्ष्मी इस महीने पूरे महीने अपने मायके जाती हैं और मायके में ही अवस्थान करती हैं। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में जो भोजन होता है माँ लक्ष्मी बनाती हैं, तो जब माँ लक्ष्मी अपने मायके चले जाएंगे तो जो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा हैं, उनके लिए भोजन कौन बनाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं जो जगन्नाथ जी और बलभद्र जी हैं वो खाऊ ठाकुर हैं, उन्हें भोजन करना बहुत पसंद है। और इसको ध्यान में रखते हुए माँ यशोदा इस पूरे महीने, जो पौष का महीना होता है, पूरे महीने जगन्नाथ मंदिर में भोजन बनाती है अपने संतान के लिए। और इसके कुछ अलग मायने भी हैं, इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो डालेंगे जिसके बारे में क्यों यशोदा माँ बनाती हैं और क्यों इस परंपरा को मंदिर में निभाया जाता है, उसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आज बता दूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पौष संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक भगवान जी को पहली भोग मंदिर में लगता है, जिसमें बहुत सारे भोग दिए जाते हैं। और मकर संक्रांति के दिन 84 टाइप्स के भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं, उसको कहा जाता है मकर 84 भोग। और वही दिन होता है जिस दिन पहली भोग में सबसे ज़्यादा भोग दिया जाता है। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी भोग की रेसिपी डाली थी जो पहली भोग में आते थे। मैंने बड़ा डाला था, दही बड़ा डाला था, मूंगई डाली थी, नली ककड़ा डाला था, बहुत सारी भोग की रेसिपियाँ डाली थी। लेकिन आज जो मैं डाल रही हूँ वो है मकर 84 का भोग, और इसको कहा जाता है खीरो पूड़ी। बहुत सारे लोग इसको सौरपुड़ी भी कहते हैं, क्योंकि जो दूध इसमें यूज होता है उसको दूध के बजाय सौर कहते हैं, तो वो आज हम बनाने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि मकर 84 का भोग है। वैसे तो बाकी दिन भी ये मंदिर में भोग के रूप में लगता है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन जो खास 84 टाइप के भोग होते हैं उसमें ये लगता है। तो खीरोपुड़ी बनाने के लिए जो जो सामग्री हमें चाहिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर एक बैटर है, ये चावल का बैटर है, सिर्फ चावल का बैटर है। मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इस तरीके का एक बैटर बनाया है इस कंसिस्टेंसी में। ये देखिए, बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए ये बैटर, ये हमें चाहिए। यहाँ पर यह है कच्चा नारियल और गुड़, इसके ऊपर बड़ी इलायची, काली मिर्च का पाउडर, दरदरा कुटा हुआ पाउडर हमने डाला है। बड़ी इलायची का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जगन्नाथ मंदिर का दिखा रही हूँ। और खीरा मतलब दूध, दूध हमें चाहिए, ये है उबला हुआ दूध। थोड़ा सा हमने रिड्यूस किया है दूध को, और इसमें थोड़ा सा शक्कर है, इसको हमने लिया है। और एक इस तरीके का हमें पॉट चाहिए होगी जिसके अंदर हम इस पीठा को सेट करेंगे, तो ये हमें चाहिए होगी। और इसी तरीके के पॉट में मंदिर में दिया जाता है प्रभु जगन्नाथ जी, प्रभु बलभद्र जी, देवी सुभद्रा जी को इसी पॉट में दिया जाता है। और ये जो स्टफिंग मैंने आपको दिखाई, जब भी हमें कोई स्टफिंग बनाना पड़ता है किसी पीठा के लिए, हम उसको पकाते हैं, मतलब छेना हो या फिर नारियल हो, उसको गुड़ के साथ या फिर शक्कर के साथ पकाते हैं। लेकिन इस पीठा में पका हुआ स्टफिंग नहीं जाएगा, कच्चा स्टफिंग जाएगा। मतलब ये जो गुड़ हमने लिया है और ये मसाले हैं और ये नारियल है, सिर्फ हमें उसको मिला लेना है, उसको पकाना नहीं है, सिर्फ उसको मिला लेना है, और वो ही चाहेगा इस पीठे के अंदर। याद रखिए, ये जो पीठा है इसमें पका हुआ स्टफिंग नहीं जाएगा, कच्चा स्टफिंग जाएगा। और जो पीठा मैं बनाने वाली हूँ, जब हम खीरोपुड़ी की बात करते हैं तो जो गईठा पीठा होता है, लास्ट ईयर मैंने पौष मास की जो अमावस्या थी, बक्कुल अमावस्या, उस एपिसोड में आपने देखा होगा मैंने गोईठा बनाया था। तो उस गोईठा को भी दूध के साथ पकाया जाता है, बहुत सारे लोग उसको ही खीरोपुड़ी मान लेते हैं, लेकिन वो खीरोपुड़ी नहीं है, वो खीरो गोईठा है, क्योंकि वो पीठा गोईठा है। तो गोईठा को दूध के साथ पकाया जाता है तो वो खीरो गोईठा होता है। तो ये है खीरोपुड़ी। और बहुत सारे लोग इसको सौरपुड़ी भी कहते हैं कि दूध है, इसमें सर है, सर मतलब जो टॉप क्रीम होता है दूध का, मलाई, वो है, तो ये सौरपुड़ी हो गया। लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी राय होती है, लेकिन ये है खीरोपुड़ी। जैसा मैंने कहा कि ये मकर 84 का जो भोग है इसके अंदर अंतर्गत ये आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खीरोपुड़ी। तो अभी हम अपने किचन में हैं, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। आप चाहें तो तवे में भी इसको बना सकते हैं। वैसे भी मंदिर में एक स्क्वायर शेप में तवे में बनता है, लेकिन वो स्क्वायर शेप का होता है। तो इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा घी हमें नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा सा हमें घी चाहिए।
तो हमने अभी इसमें घी डाल दिया है। और उसके बाद जो बैटर हमने बनाया था उसको हम इसमें देंगे। इस तरीके से बैटर हमें इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेना है। ओके, ये हो गया। और उसके बाद अभी हमें क्या करना है, जो नारियल और गुड़ हमने लिया था, ये देखिए मैंने इसको मिला लिया है अच्छी तरीके से, तो इसको अभी हमें इसके ऊपर लगाना है। और इसके ऊपर अच्छी तरीके से जब ये बैटर मतलब ना पक जाए इसका ध्यान रखना है, बैटर को डालना है और डालते ही उसके ऊपर ये जो स्टफिंग है उसको इस तरीके से लगा देना है ताकि ये इसके साथ चिपक जाए। एक बार ये पीठा पक गया तो बैटर इसमें नहीं चिपकेगा। तो ये हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, धीमी आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। लिड लगा लिया है मैंने कढ़ाई का। इसको अभी हमें 5 से 7 मिनट तक इसको पकने के लिए रखना है। ये स्टीम में पकेगा। चितौ पिठा इस तरीके से बनता है लेकिन उसमें थोड़ा पानी दिया जाता है, लेकिन इसमें पानी नहीं दिया जाएगा, इसी तरीके से ये स्टीम में पकेगा। तो अभी मैं आपको 5 से 7 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से ये पक चुका है। फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अभी हम इसको निकाल के रखेंगे किस में, हम इसको एक साइड से ही पकाएंगे, ये दूसरा वाला साइड नहीं पकेगा। इसको हम इस मिट्टी के सौरा में, इसको बोलते हैं सौरा, इस मिट्टी के सौरा में रखेंगे। एक एक पीठा बनाते जाना है। और जो दूध हमने गर्म करके रखा था, पका हुआ जो दूध है जिसमें थोड़ा सा शक्कर भी हमने डाला था, उसको हम डाल देंगे इसके ऊपर अच्छी तरीके से। इसको इस तरीके से दूध में डाल लेना है। तो एक पीठा हमने बना लिया, इसको हमने अच्छी तरीके से, जब ये गर्म होगा तभी आपको इसको दूध में डालना है और इसको रख लेना है। और उसी तरीके से दूसरा पीठा ही बनाना है। जब हमने पीठा बनाया, जब मैंने कहा कि बैटर जब कच्चा होगा मतलब नहीं पका होगा उसके ऊपर ही आपको सेट करना है इस स्टफिंग को। देख अपने अभी देखा, ये देखिए मैं आपको वापस से दिखा रही हूँ, अभी भी स्टफिंग उसके अंदर लगा हुआ है। अगर पीठा पक गया उसके बाद उसके ऊपर आप स्टफिंग डाल देंगे तो दूध जब हम डालेंगे तो सारा स्टफिंग निकल आएगा। तो दूसरा भी हमें पीठा उसी तरीके से बनाना है और उसके ऊपर उसको सेट करना है। तो अगेन मैं थोड़ा सा घी इसमें दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा घी देंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा हाथ में ये, तो बहुत कम इसमें हम घी दे रहे हैं, सिर्फ सुगंध के लिए। नॉन स्टिक पैन है वह तो वैसे ही अच्छी तरीके से निकल आएगा। तो अभी हम डालेंगे इसमें इस बैटर को। और इसके ऊपर फिर से वही स्टफिंग हम डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से चिपका लेंगे इसके ऊपर ताकि ये उसके साथ सेट हो जाए। और जो गुड़ और नारियल है वैसे भी भाप में पक जाएगा लेकिन ये सब कुछ अच्छी तरीके से चिपकना चाहिए। और ये पीठा को पकने के लिए आपको टाइम देना है क्योंकि अगर कच्चा रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और जब उसको उसको ढक देना है क्योंकि जब हम उसको ढक देंगे तो जो मॉइस्चर निकलेगा वो वापस से बूंद बनकर उसके ऊपर गिरेगी और उसी में ही वो पकेगा। और बहुत अच्छी तरीके से इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बार इस बन जाए फिर मैं दिखाऊंगी कि इसके बाद क्या करना है। तो अभी वापस से मैं आपको ये 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। ये देखिए ये भी बन चुका है, ये देखिए। और इसको भी हम क्या करेंगे, जो मिट्टी का पॉट हमने पहले लिया था, एक पीठा हमने डाला था उसके ऊपर दूध डाला था, सेम प्रोसेस इसी तरीके से हमें करना है। और ये कितना पीठा बनेगा, कितना पीठा किसको दिया जाएगा, ये उसी हिसाब से बनता है। अगर जगन्नाथ जी को 5 पीठा दिया जाएगा तो 5 पीठा इसी तरीके से लेयर लेयर में बना के इस ताड़ों में, छोटा ताड़ा होता है जिसको सौरा बोलते हैं, उसी हिसाब से दिया जाएगा। जिस भगवान के पास जितना मूर्ति मतलब क्वांटिटी जितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5 जितना क्वांटिटी होता है उसी हिसाब से एक एक करके बनाएंगे, उसके ऊपर एक रखेंगे और दूध को उसमें डालेंगे। तो इसी तरीके से बनता है खीरो पूड़ी। मैंने यहाँ पर 2 बनाया हुआ है
आप चाहें जितना भी बना के दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा, जिस भगवान के पास जितना लगता है उसी हिसाब से बना के उसके ऊपर रख के उसके ऊपर पका हुआ दूध जो होता है, थोड़ा सा रिड्यूस किया गया दूध जो होता है मोटा वाला, उसको दे के भगवान जी के पास समर्पित किया जाता है। तो ये देखिए, ये खीरो पूड़ी बन के तैयार है जगन्नाथ जी के पास भोग लगने के लिए। जैसा मैंने कहा कि पूड़ी का मतलब होता है पीठा, और क्योंकि वो दूध में डाला जाता है इसलिए खीरो पूड़ी, या फिर बंगाली में अगर कहें तो इसको दूध पूड़ी बोलते हैं। लेकिन उड़ीसा में जैसा मैंने कहा कि एक गोईठा पीठा होता है, दूध गोईठा मतलब खीरो गोईठा, उसको भी खीरो पूड़ी कहते हैं। लेकिन खीरो पूड़ी ये है, और इसको भी कुछ लोग सौरपूड़ी भी कहते हैं, क्योंकि दूध को बिल्कुल रिड्यूस करके उसमें ये डाला जाता है। रबड़ी तो नहीं होता, लेकिन पतला सा दूध भी नहीं होता, थोड़ा मोटा दूध होता है जिसमें बहुत सारी मलाई होती है, तो उस वाले दूध में इसको डाला गया है। इसको सौरपूड़ी भी लोग कहते हैं। तो सौरपूड़ी, खीर पूड़ी, खीरो पूड़ी, जो भी आप कहें, तो ये मकर चौरासी का भोग है। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और हमारी जो नेक्स्ट भोग की रेसिपी होगी, वो पहली भोग जो कि पूरा पौष महीना में हर दिन लगेगा, वो बनाएंगे, या फिर मकर चौरासी का कोई और भोग बनाएंगे। जब बनाएंगे तब आप जान सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।